और अब बात करते हैं कांग्रेस की, जो सत्ता में आई तो अग्निवीर स्कीम खत्म कर देगी और मुस्लिमों को पर्सनल लॉ मानने और उन पर अमल की पूरी आजादी देगी। ये सारे वायदे कांग्रेस ने अपने 25 गारंटियों वाले घोषणा पत्र में किए हैं। कांग्रेस ने पिछली बार की तरह इस बार भी घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं की बात की है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है ईवीएम पर उसका स्टैंड। ईवीएम पर हर मंच से सवाल उठाने वाली कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे पर काफी सॉफ्ट दिखी। देखिए यह खास रिपोर्ट। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने तालियों के लिए शिकायत भरी गुजारिश की और 48 पन्ने वाले न्याय पत्र में दर्ज वादों पर तालियां गूंजने लगी। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है। मनरेगा में भी कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा। फाइनल मैनिफेस्टो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया, जिसमें रिजर्वेशन सीमा बढ़ाने, जातिगत जनगणना करवाने, किसानों की कर्ज माफी और रोजगार की गारंटी, यानी फोकस उन्हीं मुद्दों पर रहा जिनका जिक्र राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं। कांग्रेस का वादा है कि सत्ता में आई तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर करवाएगी, यानी वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं करेगी। मतदान ईवीएम के जरिए होंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान किया जाएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में कॉन्ट्रैक्ट की जगह नियमित भर्तियां होंगी। अभी जो संविदा पर हैं, उन्हें भी पक्की नौकरी दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात भी कही गई है। घोषणाओं के बाद राहुल गांधी सामने आए। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह ने सवाल किया कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए मोदी कितनी बड़ी चुनौती है। जवाब सुनिए। नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है, और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। जैसे ही कांग्रेस का कार्यक्रम खत्म हुआ, बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया। महंगाई दर और विकास दर के आंकड़ों से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और 55 साल के शासन का हिसाब मांग लिया। इनको 4 पीढ़ी तक मौका मिला है, जिनको इतने लंबे समय तक मौका मिला है, उन सारे लोगों का अब ये दावा है कि साहब अब हम कमाल कर देंगे। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है, देखिए इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। द लाइटर नोट में कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। वैसे कांग्रेस ने इस बार जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि कुछ ना कुछ हर किसी के लिए हो, इसीलिए कुछ मुद्दे गायब हैं तो कुछ नए मुद्दे जोड़ दिए गए हैं। कांग्रेस ने जिन मुद्दों का अपने घोषणा पत्र में जिक्र नहीं किया, उन्हीं में से एक है ओल्ड पेंशन स्कीम। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव में से तूल दिया। कांग्रेस की जीत में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही, लेकिन 2024 के घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं है। इसी तरह कांग्रेस ने 2019 में मुफ्त इलाज का वायदा किया था, वो भी कांग्रेस के घोषणा पत्र से गायब है। इसी तरह कांग्रेस ने कई मुद्दों में बदलाव भी किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या बदलाव किया गया है। अब जैसे रोजगार का मुद्दा है, कांग्रेस ने इस बार 30 लाख खाली पदों को भरने का वायदा किया है, जबकि पिछली बार यही आंकड़ा 34 लाख था। किसानों से जुड़े मुद्दे की बात करें तो इस बार कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून का वायदा किया है। पिछली बार कर्ज माफी के साथ साथ कर्ज मुक्ति की बात भी कही थी। महिलाओं के लिए इस बार सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वायदा किया है। पिछली बार संसद में 33% आरक्षण का वायदा किया था, जो बीजेपी ने पूरा किया। रक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने इस बार अग्निवीर स्कीम खत्म करने का वायदा किया है, जबकि
पिछली बार बजट बढ़ाने की बात कही थी। पिछली बार कांग्रेस को अपने वायदों पर अमल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन क्या इस बार जनता उसे वायदों पर एतबार करेगी? इस सवाल का जवाब भी आपको एबीपी न्यूज पर मिलेगा, जब 4 जून को हम चुनाव के सबसे तेज नतीजे आपको दिखाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।